जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज की ये जानकारी बहुत ही खास होने वाली है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग को पता है कि सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, चाहे वो जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, टेक्नीशियन हो, लेकिन एक निर्धारित परसेंटेज नंबर फिक्स किया गया है कि आप उतना स्कोर करते हैं तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और ये सभी लोगों पे लागू होता है। ठीक है, हालांकि जो भी आपको जानकारी दी जाती है इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in के माध्यम से दी जाती है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि फॉर्म भरने के लिए 45% ऑल ओवर मार्क अप चाहिए और 33% हर सब्जेक्ट में चाहिए और 33 से 40% तक होना चाहिए। जैसे क्लर्क का अलग होता है, ट्रेडमैन का अलग होता है, जैसे जैसे इनका अलग होता है उसी तरह आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको आर्मी में भर्ती होना है तो जो आर्मी का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको एक निर्धारित नंबर लाना पड़ेगा, तभी आप फिजिकल दे सकते हैं। अगर उतने लड़के लाते हैं नंबर तो सभी लोग फिजिकल अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये PDF लॉगिन किया है, joinindianarmy.nic.in से है, आप जाके खुद उस पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो बताने वाला हूँ वो खास है। सबसे पहले ये बात ध्यान रखो, सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और कितना नंबर आप लाएंगे तो आप फिजिकल के लिए यानी रनिंग के लिए जो 1600 मीटर की दौड़ होगी उसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी दौड़ लगाएंगे। उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह डॉक्यूमेंट वगैरह होगा चेक, उसके बाद आप भर्ती होंगे। ठीक है, तो बता देता हूँ। सबसे पहले सिलेबस आपको जैसा कि एज यूजुअल पता है जीके जीएस है, ठीक है, साइंस है और मैथ है और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन रहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस, इसमें अभी एक न्यूज आई थी कि जैसे 50 क्वेश्चन होते हैं, इस पर अभी फोकस मत करो, जो पहले बता रहा हूँ आप वो सुन लो। ठीक है, जैसे 50 क्वेश्चन होते थे तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था, तो 100 नंबर का आपका पेपर होता था, 1 घंटे का समय आपको दिया जाता था। ठीक है, उसी प्रकार से अगर क्वेश्चनों को डबल कर दिया जाता है, क्वेश्चन को 100 कर दिया जाता है और एक क्वेश्चन 200 नंबर का रहता है, मतलब 2 नंबर का रहता है, तो आपको 2 घंटे समय दिए जाएंगे और फिजिकल का नंबर आपका अलग से जुड़ेगा जो 100 नंबर का फिजिकल होगा। लेकिन आपको उस फिजिकल देने के लिए पहले रिटन एग्जाम में कम से कम 65% कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप 65% नहीं लाते हैं तो आप फिजिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी मान लीजिए 50 क्वेश्चन आता है, आप 30 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 60 नंबर आता है, आप 32 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपका 64 नंबर आता है, उसी तरह आपको 33 क्वेश्चन कम से कम आपको सही करने हैं 50 में से। ठीक है, और अगर उतना पे जैसे लिस्ट देखी जाती है ऑल ओवर 30%, यानी 30 नंबर से ऊपर ही आप अगर 30 क्वेश्चनों से ऊपर आप सही करते हैं तो आपका चांस है 100% कि फिजिकल के लिए आपको मेल आएगा या आप लिस्ट में आएंगे। अगर 30 नंबर से भी आप कम करते हैं, 10 नंबर सही करते हैं, 10 क्वेश्चन सही करते हैं या 15 क्वेश्चन सही करते हैं 50 में से या 20 क्वेश्चन सही करते हैं, तो उम्मीद कम है कि आप फिजिकल में आ पाए। ठीक है, उसके साथ साथ एक और जानकारी दे देता हूँ NCC वालों के लिए, और पासिंग मार्क जैसे ये 32 मार्क नहीं क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये तो उसके लिए था, आपको जीके जीएस के 15 क्वेश्चन, मैथ के 15 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे साइंस के 15 क्वेश्चन और 5 आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, ये तो आपका हो गया जीडी और ट्रेडमैन का सिलेबस। क्लर्क में इंग्लिश जुड़ जाती है, वहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, और टेक्नीशियन में का अलग रहता है। ठीक है, यहाँ तक तो आप क्वेश्चन का देख लिए, ये क्वेश्चन का पैटर्न गलत है, याद रखिएगा, ये ओल्ड पैटर्न लग रहा है, यहाँ से डाउनलोड हो गया, नया पैटर्न मैं आपको दिखाना लग रहा है, PDF भूल गया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इंडियन आर्मी के ऑफिशियल साइट पे जाके। ठीक है, और दिखाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली प्रैक्टिस सेट मारोगे, ऑनलाइन मारो, ऑफलाइन मारो, ऑनलाइन नहीं समझ में आता है, टाइम टेकन होता है, तो ऑनलाइन वेबसाइट पे आके प्रैक्टिस सेट लगा लो। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन भी आती रहती हैं, तो वो सारा कुछ आपको बताया जाता है, सभी जगह की नोटिफिकेशन लग चुकी हैं, सभी जगह का फॉर्म भरा जा रहा है, 17 अप्रैल से आपका एग्जाम है, तो पढ़ाई जम के करो। ठीक है, साथ ही साथ आपको बता दूँ कि प्रैक्टिस सेट हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेट जितना प्रैक्टिस सेट मारोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो 10-20 नहीं, सीधा 50 प्रैक्टिस का कलेक्शन सेट इस बुक में है, एक ये बुक है चुकसू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है,
कॉमन एंट्रेंस 2023 पे आधारित। इसमें मैंने देखा 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20 यहाँ 50 पूरे सेट का पेपर है, कलेक्शन है, और ये PDF मैंने फ्री में डाल दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ से इस पेपर को जाकर डाउनलोड करके इसको पूरा लगा डालो, लगा डालो इसको, देखो आपको कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में PDF है, आप जाके वहाँ से इस पेपर को लगा लो, और ये 50 का कलेक्शन का सेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ से इसे ले सकते हैं, लगा सकते हैं। और किसी अन्य ट्रेड के लिए तैयारी करते हैं, GD के लिए या क्लर्क, SKD के लिए, अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए, टेक्नीशियन के लिए, तो उसके लिए भी अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन किया है, ठीक है। तो यहाँ तक आप देखें, हाँ, हर एक टॉपिक समझना कि पिछली बार किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आया था। एक बात मैं बताना भूल गया, टेलीग्राम ग्रुप में जो 2023 में एग्जाम हुआ है 15 जनवरी का, उसका भी पेपर है सॉल्यूशन के साथ, तो जाके उसे भी डाउनलोड करके देख लेना। ये 2023 वाला जो आर्मी GD का एग्जाम हुआ है कैसा पेपर था, ठीक है, उसे भी देख लेना। हर एक टॉपिक से पढ़ना, साइंस का टॉपिक है चाहे किसी चीज़ का टॉपिक हो, देखना कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं। SCM LCM उठा लिया तो इससे कितने सवाल पूछे हैं, एक या दो। LCM SCF डेसिमल स्क्वायर रूट परसेंटेज एरिया एलजेब्रा प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क डिस्टेंस सबसे चेक करना कि कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक टॉपिक को टच करो, और टच करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाओ, ठीक है, आपका बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी और फिजिकल के आप प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिजिकल में जाना है तो प्रिपरेशन करना है डेली, आप एक मॉक टेस्ट लगाते रहो, चाहे ऑफलाइन लगाओ चाहे ऑनलाइन लगाओ, ठीक है, ये कंपलसरी है आप लोगों के लिए। और प्रैक्टिस सेट गाइड बुक ले लो, या आपके मार्केट में आसपास अवेलेबल होंगी, जाके वहाँ से आप परचेस कर लो, ठीक है। लेकिन इस समय पूरा ध्यान लगा दो आपके एग्जाम के पे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम कंपलसरी है हर डिफेंस में। अब BSF ने भी ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम कर दिया है, पहले हर डिफेंस वाले अब ऑनलाइन एग्जाम पहले कर रहे हैं, क्या पता आसाम राइफल भी पहले एग्जाम कर दें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जानकारी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन पे दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।